अगली खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। आपको बताते चले, कई वर्षों से संघर्ष करने के बाद आखिरकार बीकापुर कचहरी में ग्राम न्यायालय की स्थापना हो गई है। इस न्यायालय की स्थापना होने से तारून, हैदरगंज, बीकापुर के बाद कार्यों को अब मुख्यालय फैजाबाद नहीं जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि जब इस न्यायालय की स्थापना नहीं हुई थी, तब वादकारियों को न्याय पाने के लिए 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करके जिला न्यायालय फैजाबाद जाना पड़ता था। अब 2 साल की सजा वाले मुकदमे की सुनवाई इसी ग्राम न्यायालय पर की जाएगी। मिली इस कामयाबी पर खास तौर पर ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। दीवानी कोर्ट फैजाबाद के जिलाधीश संजीव फौजदार ने नए न्यायालय के भवन में फीता काट कर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधीश संजीव फौजदार ने ग्राम न्यायालय की स्थापना को ग्रामीणों के लिए सुलभ व सरल न्याय की एक परिकल्पना के साकार होने की संज्ञा दी है। उन्होंने दावा किया कि छोटे मोटे मामलों को लेकर ग्रामीण अंचलों के सुदूर क्षेत्रों से ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करके जिला मुख्यालय पर कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे उन्हें न्याय मिलने में काफी विलंब हो जाता था। उन्होंने यह भी बताया कि वाद के निस्तारण की अवधि प्रत्येक दशा में 6 माह की होगी। फिलहाल ग्राम न्यायालय की स्थापना के तुरंत बाद यहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट राजदीप सिंह पेशकार, संदीप कुमार सहित 2 अन्य कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज यादव, आलोक सिंह, पुष्पेन मिश्रा, अंबिका मिश्रा समेत अनेक अधिवक्ताओं की मांग पूरी होने पर एक दूसरे को बधाइयां दी है। ग्रामीण न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य रूप से CGM कुलदीप सिंह, उप जिलाधिकारी बीकापुर प्रशांत कुमार, तहसीलदार राजेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी प्रमोद यादव, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रागिनी वर्मा समेत अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। 2 साल तक के अपराध से बाकी और सभी तरह के जो CRPC वाला टाइप में दिए हुए हैं वो बात होंगे, उस तरह के देखे जाएंगे। बाकी 3 यहाँ थाने बताए जाते हैं, बीकापुर और इनके मुकदमे भी सब यहीं आ जाएंगे और यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी इससे कि मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। नई कोर्ट बनी है अधिकारी, मैं उनको सब आप लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूँ और अधिकारी को भी शुभकामनाएं देता हूँ। और अगर कोई सवाल उस पर भी हम देखेंगे और यहाँ के बाहर के अध्यक्ष और जो है SDM साहब से मिल के जो है देखा जाएगा, वो तो बहुत ज़रूरी है। मैंने आते ही पूछा था यहाँ जवाबदार लोग कहाँ गए, स्टेट वेट बनाने के लिए, और उसके लिए अगर लिखना भी पड़ेगा उधर तो हम जरूर करेंगे।